हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन ई कैप्सूल के टॉप यूजेस। यस गाइस, क्या आपको पता है कि विटामिन ई कैप्सूल जो है वो हमारे स्किन और हेयर्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। विटामिन ई कैप्सूल को आप डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के लिए भी। आपके आपके स्किन का जो भी प्रॉब्लम होगा, ये विटामिन ई कैप्सूल का एक कैप्सूल ही बहुत होता है हमारे स्किन के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। साथ ही ये हमारे बालों के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये एवियन 400 मैंने अपने हाथों में लिया हुआ है। ये विटामिन ई कैप्सूल है। ये पूरा एक पत्ता जो है वो आपको 20 रुपये से 22 रुपये में किसी भी केमिस्ट स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। हर एक केमिस्ट स्टोर पे ये ज़रूर मिलता है और ये बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे स्किन और हेयर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे स्किन और हेयर के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, और डेली के अपने जो भी प्रॉब्लम है हमारे स्किन के और हेयर्स के, तो उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं ये विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करके। तो चलिए देखते हैं इसके टॉप यूजेस। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने होठों को नेचुरली पिंक करें, तो ये विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है ये काफ़ी होता है हमारे होठों को पिंक करने के लिए। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है ये एक कैप्सूल ही काफ़ी है। इसे आपको करना बस ये है, इसे आप ब्रेक कर दें या तो कट कर दें। इसका जो भी ऑयल है अंदर में, उसे आप अपने हाथों पर निकाल लेंगे और अपने लिप्स पर अच्छे से रात में सोने के टाइम मसाज करके सो जाएंगे। आप एक हफ्ते में ही देखेंगे कि आपके होठों का जो रंग है नेचुरली गुलाबी होना शुरू हो गया और आपके होठ नेचुरली पिंक होना शुरू हो जाएंगे। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी क्रीम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करें और आपके लिप्स जो है नेचुरली पिंक हो जाएंगे। अगर आपको स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जैसे स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है या फिर बहुत ज़्यादा एक्ने है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, तो आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं? विटामिन ई कैप्सूल को आप डायरेक्टली भी अपने फेस पे लगा सकते हैं। इसके लिए आप अपने फेस को अच्छे से पहले पानी से या फिर फेस वॉश से वॉश कर ले, अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे ताकि कोई भी मेकअप, कोई भी डर्ट, कोई भी पोल्यूशन आपके चेहरे पे ना हो। उसके बाद आप विटामिन ई कैप्सूल का एक कैप्सूल लेंगे और उसमें उसे ब्रेक करके डायरेक्टली अपने फेस पे हाथों में ऐसे मसाज करते हुए डायरेक्टली अपने फेस पे लगा लेंगे। इससे आप देखेंगे कि एक हफ्ते के भीतर ही आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, यानी कि आपके पिंपल जो है वो दबने लगे, साथ ही आपके पिंपल नेचुरल तरीके से जाने लगेंगे और साथ ही उनके जो दाग रहते हैं, हमारे स्कार के जो दाग रहते हैं, भी आप नेचुरली देखेंगे कि एक हफ्ते में ही बहुत ज़्यादा कम होने लगे। साथ ही आपके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा और हाइड्रेटेड भी करेगा। विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करके आप बहुत अच्छा एंटी रिंकल मास्क बना सकते हैं। अगर आपको रिंकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत टाइम देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है तो रिंकल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा हम टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो रिंकल की प्रॉब्लम हमें ज़रूर होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं दिखे, बिल्कुल भी नहीं रहे, तो आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करके एक मास्क बना सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। आपको करना बस ये है, आप एक चम्मच दही ले, एक चम्मच नींबू, एक चम्मच शहद और एक विटामिन ई कैप्सूल को ब्रेक करके इसका ऑयल उसमें डाल ले और मिक्स करके अपने फेस पे लगा ले। हफ्ते में आप 3 बार करेंगे इसे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके रिंकल्स कैसे रिमूव होना शुरू हो गया। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो भी आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करके उसे दूर कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने, आपने सुना होगा कि विटामिन ई कैप्सूल बहुत अच्छा होता है, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे स्किन के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी होता है और बहुत सारे क्रीम ऐसे हैं जो नाइट क्रीम हम यूज़ करते हैं, उसमें जनरली विटामिन ई, प्योर विटामिन ई नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे आपके स्किन में पिंपल होगा, स्कार होगा, दाग धब्बे होंगे, डार्क स्पॉट्स होंगे, ब्लैक स्पॉट्स होंगे, ये सारे प्रॉब्लम हमारे स्किन में आने लगती है। तो अगर आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है या फिर डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है या फिर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको बस करना ये है कि ये आप एक विटामिन ई कैप्सूल का ले, इसे ब्रेक कर दे या फिर इसे कट कर दे और इसका जो ऑयल है ऐसे अपने हाथों पे निकालेंगे और उसे ऐसे लेके हाथों से, अपने फिंगर्स से अपनी आँखों पे नीचे जहाँ भी आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वहाँ ऐसे मसाज करते हुए लगा लेंगे। विटामिन ई कैप्सूल का जो भी ऑयल निकलेगा उसे अच्छे से लगा लेंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगेगी। अगर आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके बाल दो मुँहे दो बहुत ज़्यादा रुखे सूखे होते हैं, तो आपको बस करना ये है कि आप विटामिन ई कैप्सूल 2 कैप्सूल ले, उसे ब्रेक करके अपने हाथों पे उसका ऑयल ले और इसे ऐसे मसाज करते हुए आपको जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे ऐसे
लगा दे। आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपके स्प्लिटिंग्स की प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगी। यस गाइस, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है और सच में मेरे जो भी स्प्लिटिंग्स की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो आप विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल ले ले उसे कट करके, और अच्छे से अपने हाथों पर ऐसे मसाज रब करते हुए और अपने बालों पर लगा ले। आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपके स्प्लिटिंग्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो गई। अपने बालों को लंबा, घना और डैंड्रफ से फ्री करना चाहते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और आपके बाल लंबे भी नहीं हो रहे, घने भी नहीं हो रहे और प्रीमैच्योर ग्रेइंग भी हो रही है, तो आप इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? आपको बस करना ये है कि आपको विटामिन ई कैप्सूल लेना है। आप जब भी हेयर ऑयलिंग करें आप अपना विटामिन ई कैप्सूल अपने पास रखें और इसकी 2 कैप्सूल आपको अपने हेयर ऑयल में मिक्स कर देनी है। बस 2 कैप्सूल आपको अपने हेयर ऑयल, जो भी आपका फेवरेट हेयर ऑयल हो, उसमें आप मिक्स कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेयर ग्रोइंग हो, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, काले नहीं हैं, घने नहीं हैं, ये सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपके बाल लंबे होने लगेंगे, घने होने लगेंगे और बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप अपने नेल्स को बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सारी लड़कियों का ये शौक़ होता है कि वो अपने नेल्स को बड़ा रखे, उनको बहुत अच्छा लगता है अपने नेल्स को बड़ा रखना और उस पर नेल पॉलिश लगाना, तो अगर आप अपने नेल्स को बड़ा करना चाहते हैं तो विटामिन ई कैप्सूल को ब्रेक करके बस अपने नेल्स पे अच्छे से लगा के रात में सो जाए। 1 हफ्ते में ही आप देखेंगे कि आपके नेल्स नेचुरली बड़े होने शुरू हो गए और वो जल्दी टूटेंगे भी नहीं, मजबूत भी होंगे। तो ये थे विटामिन ई कैप्सूल के टॉप यूजेस। अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब भी सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।